फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अमीशा चैनल। और आज हम इसमें बनाते हैं साबूदाना के पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए बेस्ट क्वालिटी के साबूदाना, पैकेट वाला साबूदाना। इसे हम अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेंगे। इसमें जो स्टार्च रहता है वो निकल जाए, इसलिए हम अच्छा से पानी से वॉश कर लेंगे दो बार। इसे हम अच्छी तरह से दो बार धो देंगे और उसमें हम थोड़ी सी पानी डालकर उसे डूब जाने पर पानी इसमें डाल देंगे और आधा से एक घंटा इसे हम फूलने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक घंटा हो गई है, साबूदाना हमारा फूल के कितना बढ़ गया है। इसे फूला कि नहीं हमें देखने के लिए हम एक साबूदाना उठाएंगे और उसको इस तरह से मसल के देखेंगे तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा। और अगर नहीं टूटेगा इसका मतलब वो साबूदाना में और थोड़ा सा फुलाना होगा, इसलिए हमारा ये कम्प्लीट फूल गया है। अब इसे हम इस तरह की सहायता से स्टेन कर लेंगे ताकि जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। हमने इसे छान लिया है। अब इसे पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे, फिर उसमें हम अलग से ये मीडियम साइज के आलू, उबले हुए आलू चार इस तरह से कट कर लेंगे। हरी मिर्च आपके स्वादानुसार, अगर आपके खा सकते हैं तो खाइए, नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। हरा धनिया कंपल्सरी है, ये महीन चॉप किया हुआ ऑनियन और 2 इंच का अदरक महीन कटा हुआ। पहले हम पैन गरम करते हैं, उसको इसे पहले फ्राई कर लेते हैं। हमारा गर्म हो गया है, इसे मस्टर्ड ऑयल हम डालेंगे, करीब 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसमें हम डालेंगे ऑनियन, चॉप ऑनियन, डालेंगे ग्रीन चिल्ली, चॉप जिंजर, सभी को अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें हम पोटैटो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। इसे हम सारे ड्राई मसाले डालेंगे। पहले हम डालेंगे सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग, फिर हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट फ्लेवर के लिए, फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, चाट मसाला। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम अपना साबूदाना ऐड करेंगे। इसे भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, पहले हम सभी सामग्री भूनने के बाद ही इसमें साबूदाना ऐड करते हैं। बहुत हल्का नाश्ता है फ्रेंड्स, इसमें हम सादा नमक के जगह में सेंधा नमक भी डाल के हम बना सकते हैं, जिसे हम व्रत त्यौहार में भी, साबूदाना है तो इसे भी व्रत त्यौहार में हम खा सकते हैं। फलहार के रूप में इसे हम सेंधा नमक डाल के बना के हम खा सकते हैं। हाथ मत करेगा इसे भूनने में,
ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें हम रोस्टेड बादाम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इसे लास्ट में डालिएगा ताकि इसका कुरकुरापन बना रहे। अब इसमें हम कोरिएंडर लीव ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी इसे हम गैस ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा साबूदाना का पुलाव तैयार हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हरा भरा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्दी नाश्ता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमें ताकि आप लोगों को हमारा नया वीडियो का अपडेट मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स।